एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में कमला देवी की तीन बेटियां थीं, सुहाना, सपना और काजल। सुहाना और सपना दोनों काजल से बड़ी थी और वह दोनों जुड़वा थी और दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से दोनों बहनों को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। और बेचारी काजल, वह अपनी दोनों बहनों की तरह गोरी नहीं थी, लेकिन दिल की बिल्कुल साफ, अपनी बहनों से प्यार करने वाली, हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करने वाली लड़की। लेकिन कभी भी उसे उसके अच्छे स्वभाव की वजह से प्यार और सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि उसके रंग रूप की वजह से हमेशा उसे दुत्कारा जाता था। ऐसे ही एक दिन काजल, सुहाना और सपना कहीं जा रही थी, तभी काजल कहती है, सपना और सुहाना दीदी, वो देखिए सामने बेचारा मासूम कुत्ता किस तरह से जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चल चल काली कलूटी, तुझे क्या लगता है कि हम अपने सुंदर सुंदर हाथों को गंदा करेंगे? सड़े हुए कुत्ते की मदद कर हमारी बला से मरता है तो मर जाए। सुहाना यार, चल दूसरे रास्ते से चलते हैं, बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर खड़ी रही तो बेहोश ही हो जाऊंगी। चल। काजल बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की लड़की थी, उससे उस कुत्ते का जख्म देखा नहीं जाता और वह उसे उसी हाल में अपनी गोद में उठाती है, डॉक्टर के पास लेकर जाती है, उसका इलाज करवाती है और घर ले जाने के बाद जब तक उसकी सेवा करती है, जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, और जब वह ठीक हो जाता है तो उसे आजाद कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कमला देवी अपनी तीनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है, तभी वहाँ पर कमला देवी की बचपन की दोस्त मिलती है और वह उससे कहती है, अरे कमला, तुझे देखकर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि तू मुझे मिल गई। मैं विदेश से अब अपने ही देश में शिफ्ट हो गई हूँ और आते ही मुझे तू मिल जाएगी, मैंने सोचा नहीं था, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे यार, यह दोनों सुंदर लड़कियां कौन है, कितनी ज्यादा सुंदर है, लगता है तेरी ही बेटियां हैं। और कमला, यह दोनों सुंदर लड़कियों के साथ तूने किस काले टीके को खड़ा कर रखा है? वैसे चल ठीक ही है, दोनों सुंदर बेटियों को नजर भी नहीं लगेगी इस काली कलूटी की वजह से। अरे नहीं नहीं जानकी, यह तीसरी भी मेरी ही बेटी है, काजल, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या कहा, यह काली कलूटी इतनी ज्यादा खूबसूरत, तेरी बेटी है? फिर तो यार रहने ही दे, मैं तो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी, और तू तो जानती है कि मुझे काले लोगों से कितनी ज्यादा नफरत है, अगर काले लोग मेरे आसपास भी मुझे नजर आते हैं तो मैं 2 फुट की दूरी बना लेती हूँ। अब तेरी ही बेटी इतनी ज्यादा काली कलूटी खूबसूरत है तो मैं तेरी दोनों सुंदर बेटियों को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ? चल छोड़, अब तेरी काली बेटी की वजह से हमारी दोस्ती बाहर तक ही रहेगी, अब तो मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती। जानकी, इंसान की सुंदरता उसके रंग रूप से नहीं, उसके दिल से होती है, और काजल का दिल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शायद इस बात को तुम लोग नहीं समझोगे कि दिल की सुंदरता ऊपरी सुंदरता से कितनी ज्यादा बेहतर होती है। ऊपरी सुंदरता तो एक न एक दिन ढल जाती है, लेकिन दिल की सुंदरता हमेशा बुढ़ापे तक उसके साथ रहती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, हमारी दोस्ती यहीं तक थी। ऐसा कहकर कमला अपनी तीनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद सपना और सुहाना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी मम्मी, आपकी यह वही तो दोस्त थे जिनके बारे में आप बताती थी कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, इनके पास 4-5 गाड़ियाँ, 3-4 बंगले। अगर यह काली कलूटी मनहूस हमारे घर की लड़की नहीं होती तो हम दोनों बहनों की शादी इतने अमीर घराने में हो जाती, बस इस काली कलूटी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता आते आते हाथ से निकल गया, पता नहीं ये मनुष्य हमारा कब पीछा छोड़ेगी। हाँ हाँ सपना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह काली कलूटी मनहूस हमारी जिंदगी पर ग्रहण लगाने के लिए ही तो आई है। मम्मी, ये काली कलूटी हमारी बहन है भी या फिर आप इसे कूड़े दान से उठा कर लेकर आई थी? ये हमारी बहन तो कहीं से भी नहीं लगती। सपना और सुहाना काजल के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही थी, और काजल चुपचाप अपनी दोनों बहनों की खरी खोटी बातें सुन रही थी, और वह रोकर अपने रूम में चली जाती है। कमला अपनी छोटी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होते देख उसे बहुत दुख होता था, और वह अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत समझाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन उन्हें तो एक मौका चाहिए होता था काजल के इंसल्ट करने का, उसे खरी खोटी बातें सुनाने का। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर काजल तैयार हो रही थी, तभी सुहाना कहती है, काली बंदरिया, कितनी देर हो गई आईने के सामने खुद को निहारे जा रही है, खुद को ऐसे निहारे जा रही है जैसे कोई अप्सरा हो, तो जैसी काली कलूटी पर सूरत को तो कोई देखना पसंद भी नहीं करता, फिर तू तैयार होने में इतना ज्यादा समय क्यों लगाती है? चल जल्दी हट, हमें तैयार होना है।
सुहाना दीदी, आप मुझसे आराम से भी तो कह देती, हट जा। मैं हट जाती, आपको मुझे इतनी सारी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी। आप एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे खरी खोटी बातें सुनाने का, मुझे ये एहसास कराने का कि मैं बदसूरत हूँ, आपकी तरह सुंदर नहीं हूँ। आप मुझे हमेशा काली बंदरिया क्यों कहती रहती हैं? मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, मैंने तो कभी तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुना ही नहीं है। सपना देख तो ये काली बंदरिया क्या कह रही है कि तुम मुझे काली बंदरिया क्यों कहती हो। वो इसलिए क्योंकि तू काली है और सब तुझे इसी नाम से पुकारते हैं, तभी तो हम तुझे इस नाम से पुकारते हैं। अगर तू हमारी तरह सुंदर होती तो फिर हम तुझे इस तरह से परेशान नहीं करते। अरे यार सपना, जल्दी जल्दी तैयार हो, आरोही के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है, चल हट काली बंदरिया। दीदी मैं भी आपके साथ बर्थडे पार्टी में चलूं? ओ हेलो काली बंदरिया, अपनी शक्ल आईने में देखी है जो हमारे साथ हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगी? तुझे क्या लगता है तुझे वहाँ ले जाकर हम अपने इंसल्ट करवाएंगे? सोच समझ कर बातें क्या कर, चल जा जल्दी से हमारी सैंडल निकाल और उन्हें साफ कर। बेचारी काजल रोते हुए आ जाती है और अपनी दोनों बहनों की सैंडल साफ करती है। काजल को यूं रोता देख कमला उससे कहती है, अरे काजल बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अच्छा समझ गई, फिर उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा, चलो बताओ क्या हुआ है। मम्मी मम्मी, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, मर जाऊं, क्योंकि बाहर वाले तो मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते ही हैं। मेरी अपनी सगी दो बड़ी बहनें भी मुझे अपनी बहन नहीं मानती। सिर्फ मेरे रंग रूप की वजह से कहीं शादी पार्टी में जाती हूँ तो वहाँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी बहनें मुझे अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करती। मम्मी मैं क्यों हूँ काली, क्यों? अगर मैं भी सपना और सुहाना दीदी की तरह सुंदर होती तो वह भी मुझसे प्यार करती, जैसे दोनों आपस में घूमती फिरती हैं, पार्टियां करती हैं, मैं भी उनके साथ घूमा फिरा करती, इंजॉय क्या करती। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो लोगों की दुत्कार सुनना है, खरी खोटी बातें सुनना है और कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं। काजल मेरी प्यारी बच्ची चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन अब मैं इस घर में तुम्हारी और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। दोनों कहाँ हैं? अभी उनके कान पकड़ के खींचती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि वह तुम्हें बर्थडे में अपने साथ कैसे नहीं लेकर जाती, बहुत कर ली उन्होंने अपनी मनमानी। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है, सपना और सुहाना तुम दोनों काजल की बड़ी बहने हो और तुम बड़ी बहन होकर बेचारी के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम काजल की और इंसल्ट नहीं करोगी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा तुम काजल को अपने साथ लेकर जाओगी, अगर नहीं लेकर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अब काजल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ इंजॉय करेगी, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। आज कमला बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और बहुत ही ज्यादा कठिन स्वर में अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बातें कर रही थी। सपना और सुहाना अपनी माँ की यह बातें सुनकर डर जाती हैं और उन्हें ना चाहकर भी काजल को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। काजल बहुत खुश होती है कि आज वह अपनी दोनों बहनों के साथ उनके साथ किसी पार्टी में जा रही है, वह बहुत अच्छे से तैयार होती है, लेकिन फिर भी दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाती है। लेकिन काजल एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी दोनों बहनों के साथ जाने लगती है। तभी रास्ते में सपना सुहाना से कहती है, सुहाना मम्मी के डर से हम इस काली कलूटी को अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में तो लेकर जा रहे हैं, यार वहाँ पर हमारी इसकी वजह से कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी, कुछ सोच, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती, हम इस काली कलूटी को अपने साथ वहाँ नहीं लेकर जा सकते। सपना मेरे पास एक आइडिया है, सांप हमें मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यह सामने वाला घना जंगल, इसे वहाँ पर भेज देते हैं, अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो जंगली जानवरों से बचकर वापस आ जाएगी, वरना तो किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। सुन काली कलूटी, हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो सामने घना जंगल तुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है, मेरा अमरूद खाने का बहुत दिल चाह रहा है, चल जा जल्दी से हमारे लिए अमरूद लेकर आ। बेचारी काजल अपनी दोनों बहनों की चालाकियों से बिल्कुल अनजान कि वह उसके साथ क्या करने वाली हैं। वह अपनी दोनों बहनों के लिए अमरूद लेने के लिए घने जंगल में चली जाती है और दोनों बहनें ऐसा कर बहुत खुश हो रही थी, सोच रही थी कि अब हमेशा के लिए उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। काजल वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर जंगली जानवरों की दहाड़ने की आवाजें आ रही थी, काजल को बहुत डर लग रहा था, वह बहुत रोती है।
तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत के ऊपर जाती है जो बेहोश पड़ी थी और एक जंगली जानवर उसका शिकार करने जा रहा था। काजल हिम्मत करती है और उस जानवर से उस बूढ़ी औरत को बचाकर लेकर आ जाती है, उसे होश में लेकर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे उस जंगली जानवर से नहीं बचाती तो मैं उसका शिकार हो जाती। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बेटा मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम कितनी दुखी रहती हो। मुझे परी ने अपने जादुई सोने और चांदी के दो लहंगे दिए थे, वो मेरे किसी काम के नहीं। आओ वह मैं तुम्हें दे देती हूँ, मेरे घर चलो जिनकी मदद से तुम्हारी सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत काजल को अपने साथ ले जाती है। काजल वहां जाकर देखती है तो उसका घर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बगीचे में था और वहां पर सुंदर सुंदर परियां आपस में खेल रही थी। यह नज़ारा देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और वह बूढ़ी औरत परी के जादू सोने और चांदी के दो लहंगे लेकर आती है और काजल से कहती है, यह लो बेटा परी के जादुई सोने और चांदी के दो लहंगे, इन्हें तुम एक एक बार पहनो, उसके बाद जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही तुम्हें सुंदरता मिल जाएगी। और यह सब परियां जो बाहर बगीचे में खेल रही हैं, यह मेरे पास अपना थोड़ा समय व्यतीत करने आती हैं। काजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उस बूढ़ी औरत की बात मानकर वह परी के जादुई सोने और चांदी के लहंगे जैसे ही एक एक बार पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। बिल्कुल परियों की तरह खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर काजल को विश्वास नहीं होता और वह उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी सच में मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब कोई मेरे काले रंग की वजह से मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी माँ की इंसल्ट नहीं करेगा और मेरी दोनों बड़ी बहनें भी मुझसे प्यार करेंगी। अम्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे परी के जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने के लिए। काजल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि उसे परी के जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से इतनी ज्यादा सुंदरता मिली है। वह उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर सही सलामत उस जंगल से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सपना और सुहाना एंजॉय कर पार्टी से आ रही थी और वह रास्ते में काजल को देखकर पहचान नहीं पाती। सुहाना मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे सामने परी खड़ी है। परी कितनी ज्यादा सुंदर होती है, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं परी को देख रही हूँ। देखा तुम चौंक गई ना, तुमने मुझे परी समझा। सपना सुहाना दीदी मैं परी नहीं हूँ, आपकी वही काली कलूटी बदसूरत बहन काजल हूँ। तो उस घने जंगल से जिंदा वापस आ गई और वो भी इतनी ज्यादा सुंदर होकर। मैंने तो सुना था कि उस जंगल में खतरनाक जानवर हैं, वहाँ से बचकर आना नामुमकिन होता है, लेकिन तू तो जिंदा वापस आ गई और ऊपर से इतनी ज्यादा सुंदर। हमें नहीं बताएगी कि तुझे इतनी ज्यादा सुंदरता कहाँ से मिली, हम भी तो तेरी बड़ी बहन है। सपना और सुहाना दीदी आपने जानबूझकर मुझे उस जंगल में भेजा था ताकि मैं वहां से जिंदा वापस ना आऊं। मैं तो आपसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज तो मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत से आपका पीछा छूट जाए इसलिए आपने मुझे मरने के लिए उस घने जंगल में भेज दिया था। और मैं आपके लिए अमरूद लेने गई थी कि मेरी बहनों का अमरूद खाने का दिल चाह रहा है। आपने मुझे बहुत निराश किया है, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करती। ऐसा कहकर काजल रोते हुए वहाँ से आ जाती है क्योंकि उसे अपनी दोनों बहनों की काली करतूत के बारे में पता चल जाता है। तभी सपना सुहाना से कहती है, सुहाना यार जो वो काली कलूटी बदसूरत जैसी दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, तो सोच हम तो कितनी ज्यादा सुंदर हैं। अगर हम उस घने जंगल में जाएंगे तो हम तो कितनी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। चल चलते हैं, उसके बाद हमसे ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, जरूर वहाँ पर कोई जादुई चीज है। सपना और सुहाना सुंदरता के लालच में उस घने जंगल में चली जाती हैं और वहाँ जाकर जादुई चीज ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें ना तो वह बूढ़ी औरत मिलती है और ना ही परी के जादुई सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं, बल्कि उस घने जंगल में वह जंगली जानवरों का शिकार हो जाती हैं। जो गड्ढा उन्होंने काजल के लिए खोदा था उसी में खुद गिर जाती हैं। उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और काजल अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।
एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में सरिता अपनी बेटी अंजलि के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। जब अंजलि बहुत ही ज्यादा छोटी थी, तभी सरिता का पति उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। बेचारी सरिता अपनी मासूम बेटी के साथ बहुत मुश्किलों से जिंदगी व्यतीत करती है। वह लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने की भरपूर कोशिश करती है। अंजलि 10th क्लास में पढ़ रही थी। अंजलि पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। सभी टीचर्स उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते थे, जिस वजह से क्लास की एक अमीर घमंडी लड़की काव्या वह अंजलि से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा करती थी और हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। दोस्तों देखो, यह गरीब कैसे मेरी जगह पर बैठी है। गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर बैठने की? तुझे अच्छी तरह से पता है कि आगे मैं बैठती हूँ और तुम जैसे गरीबों की जगह सिर्फ पीछे होती है, आगे नहीं। चल पीछे जाकर बैठ। काव्या, यह स्कूल तुम्हारे पिताजी का नहीं है। यहाँ सब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और इस जगह पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा। जो पहले आएगा वो ही बैठेगा। आज मैं तुम्हारे कहने पर पीछे जाकर नहीं बैठूंगी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, अब और नहीं। अरे यार काव्या, देख तो इस गरीब की कितनी ज्यादा जबान चल रही है, तुझे कैसे पटापट जवाब दे रही है। तेरी तो इसने अच्छी तरह से वाट लगा दी। क्लास के सभी बच्चे तुझे देखकर कैसे हंस रहे हैं। काव्या यार, तू तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। कहां रोज तू इसे डरा धमका कर पीछे भेज देती थी और आज इसने तेरी बोलती ही बंद कर दी। क्लास टीचर आ रही है, वरना तो मैं इसे अच्छी तरह से सबक सिखा देती। इस गरीब ने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। ऐसा कहकर काव्या बहुत गुस्से में पीछे जाकर बैठ जाती है। क्लास के सभी बच्चे काव्या को देख देख कर हंस रहे थे। छुट्टी हो जाने के बाद अंजलि घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। अरे वाह मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आपने यह साड़ी कितनी ज्यादा सुंदर बनाई है। यह जमींदार की बेटी की साड़ी है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मम्मी आपको पता है, आज मैंने काव्या को सबके सामने जवाब दिया। रोजाना हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, कभी मेरी ड्रेस को लेकर तो कभी कुछ, लेकिन मैंने आज उसे छोड़ा नहीं। अरे अंजलि बेटा, तुम्हें अमीर लड़कियों से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। तुम जानती तो हो तुम एक गरीब विधवा की इकलौती बेटी हो और वह काव्या अमीर घमंडी। बेटा हम गरीबों को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। बेटा तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। अंजलि अपनी माँ की बात समझ जाती है कि उसकी माँ उसे क्या समझाना चाहती है कि वो गरीब है, उसे अमीरों से पंगा नहीं लेना चाहिए, और वह अपनी माँ की बात बहुत अच्छी तरह समझ जाती है और अगले दिन क्लास के अंदर चुपचाप काव्या से बिना उलझे पीछे जाकर बैठ जाती है। तभी काव्या की दोस्त काव्या से कहती है, अरे यार काव्या, कल तो तू बड़ी बड़ी फेंक रही थी कि कल तू अंजलि को स्कूल से बाहर निकलवा देगी, लेकिन तू तो बिल्कुल खामोश है। तू तो उस गरीब अंजलि को कुछ भी नहीं कह रही। लगता है तू उस गरीब से डर गई, क्योंकि कल उसने तेरी अच्छी खासी क्लास जली थी। मेरा नाम भी काव्या है काव्या, और मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ, और उस गरीब अंजलि की बच्ची से तो बिल्कुल भी नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसा कहकर काव्या मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसने अंजलि को स्कूल से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था। बेचारी अंजलि काव्या के खतरनाक प्लान से बिल्कुल अनजान अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी क्लास टीचर आती है और वह सभी बच्चों को खड़ा कर देती है और उनसे कहती है, मुझे मेरे सोने के कंगन नजर नहीं आ रहे। जब मैं सुबह तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैंने उतार के टेबल पर रख दिए थे, उसके बाद तो मुझे मिल ही नहीं रहे। देखो बच्चों, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। जिस किसी के भी पास मेरे कंगन है मुझे चुपचाप लौटा दो। अगर मैंने आकर अपने कंगन लिए तो अच्छा नहीं होगा। चलो शाबाश, जिस किसी के भी पास मेरे कंगन है मुझे वापस कर दो। मैम, हम सब बच्चे तो अमीर हैं, हमारे पास तो सोने की कोई कमी नहीं और ना ही पैसों की। हम आपके कंगन क्यों चुराएंगे? पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की गरीब है, जिसकी माँ सिलाई कर अपनी बेटी को पढ़ा रही है और दो समय का खाना भी बहुत मुश्किल से खिला पाती है। उसी ने आपके कंगन चुराए होंगे। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना, हमें तो चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या, यह तुम क्या कह रही हो? मैं मैम के कंगन क्यों चुराऊंगी? और मैं चोर नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। मैम, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। मैं एक समय भूखा रह सकती हूँ लेकिन कभी भी चुराकर कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने आपके कंगन नहीं चुराए। काव्या तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है, मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती।
हाँ हाँ, अगर चोर चोरी करके कहने लगे कि उसने चोरी की है तो फिर बात ही क्या है। मैम, आप किसी की भी बात का विश्वास मत कीजिए, और इस गरीब की बात का तो बिल्कुल भी नहीं। यह गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। आपको सबके बैग की तलाश लेनी चाहिए और उसी के बाद पता चलेगा आखिर चोर कौन है, हम अमीर या फिर यह गरीब। ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस क्लास के अंदर चोर कौन है, और अगर मुझे इस क्लास के अंदर चोर मिला तो उसके बाद वह इस स्कूल में नहीं रहेगा। ऐसा कहकर टीचर सभी के बैग की तलाशी लेने लगती हैं। काफिया मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसने क्या किया है। टीचर सभी बच्चों की तलाशी ले लेती हैं, लेकिन किसी के भी पास उनके कंगन नहीं निकलते। सबसे पीछे लास्ट में अंजलि बसती है। जब उसके बैग की तलाशी लेती है तो सोने के दो कंगन उसी के बैग में मिलते हैं। यह देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी टीचर अंजलि को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, अंजलि अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि चोरी करना बुरी बात है, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, चोर नहीं हूँ, और यह क्या मेरे कंगन तुमने चुराए। तुम जैसे गरीबों के ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो और तुम खुद अपने हाथों से अपने भविष्य को खराब कर रही हो चोरी कर कर। अंजलि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम चोर भी हो सकती हो। मैं मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने आपके कंगन नहीं चुराए। मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं, कभी चोरी नहीं कर सकती। यह सब कुछ काव्या ने जानबूझकर किया है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि एक गरीब लड़की ने एक अमीर लड़की को जवाब दे दिया था ना, बस इसलिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे स्कूल से बाहर मत निकालिए। अंजलि बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन टीचर उसकी एक नहीं सुनती। और यह सब देखकर काव्या और उसके दोस्त बहुत हंस रहे थे। क्लास टीचर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती हैं। घर जाने के बाद अंजलि बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। सरिता अपनी बेटी को बहुत समझाती है, अंजलि बेटा चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, हम गरीबों को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अंजलि रो मत मेरी प्यारी बच्ची, देखना सब ठीक हो जाएगा। मम्मी कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपने रात दिन मेहनत कर सिलाई की, पूरे साल मेरे स्कूल की फीस जमा की, अब एग्जाम होने वाले हैं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। आपके पैसे, मेरी मेहनत, सब कुछ उस काव्या की वजह से हुआ। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने आपकी मेहनत के सभी पैसे बर्बाद कर दिए और मेरा पूरा साल भी खराब हो गया। अंजलि बेटा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जमींदार के यहाँ नहीं जा सकती। मैंने उनकी बेटी की जो साड़ियाँ बनाई थी उन्हें तुम देख कर आ जाओ, कल उनकी बेटियों की शादी है, अगर समय पर साड़ियाँ नहीं गई तो एक और मुसीबत आ जाएगी। अंजलि अपने आंसू साफ करती है और वह जमींदार की बेटियों की साड़ी देने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे काव्या और उसकी दोस्त मिलती हैं। अंजलि काव्या के मुंह नहीं लगना चाहती थी, तभी काव्या कहती है, दोस्तों मैंने कहा था ना कि मैं इस गरीब को आज स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी, और देखो जैसे मैंने कहा था वैसा मैंने कर दिया। बेचारी अब तो एग्जाम भी नहीं दे पाएगी, इसका पूरा साल खराब हो गया। बहुत उड़ रही थी ना आसमान में कि 10th क्लास में पूरे स्कूल में टॉप करूंगी, बेचारी का स्कूल ही नहीं रहा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन यह गरीब ही नहीं मानी। अरे यार काव्या, देख इस गरीब के हाथ में क्या है, लगता है इसकी माँ के सिले हुए कपड़े हैं। चल काव्या, इस गरीब से थोड़े और मजे ले लेते हैं, इसे थोड़ा और परेशान करते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर काव्या और उसके दोस्त अंजलि के हाथ से साड़ियाँ ले लेती हैं और उनसे खेलना शुरू कर देती हैं। छीना छपटी में वह साड़ियाँ फट जाती हैं। यह देखकर अंजलि बहुत रोती है और ऐसा कर काव्या और उसके दोस्त वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। अंजलि फटी हुई साड़ियाँ देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया, काव्या ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जमींदार की बेटियों की यह साड़ियाँ पूरी तरह से फट चुकी है, कल उनकी शादी है, और यह क्या हो गया, अब हम दोनों गरीब माँ बेटियों को इस गांव से भी निकाल दिया जाएगा। हे ऊपर वाले, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे, यह सामने क्या चमचमा रहा है।
अंजलि को घने जंगल में कुछ चमचमाता हुआ नजर आता है और वह उसके पास जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सोने और चांदी की दो साड़ियाँ चमचमा रही थी। यह देखकर अंजलि चौंक जाती है। तभी चांदी की साड़ी से आवाज आती है, मैं परी की जादुई चांदी की साड़ी हूँ, हमारी परी मुसीबत में है। अगर तुम मुझे रात होने से पहले पहले परी के पास ले जाती हो तो वो मुसीबत से बाहर आ जाएंगी, वरना वो काली चुड़ैल उन्हें मारकर मुझे अपने साथ ले जाएगी और वह परी लोग पर कब्जा कर लेगी। मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। सुनो लड़की, मैं भी परी की जादू सोने की साड़ी हूँ, लेकिन मैं अपनी परी के पास जाना नहीं चाहती। हमेशा वो मुझसे काम करवाती रहती है, अब मैं उनकी ओर गुलामी नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझे नीली झील के पास ले जाकर छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी, इतना सोना कि सारी जिंदगी तुम और तुम्हारी माँ ऐश करेंगी। बस तुम परी की मदद मत करो। अगर तुम परी की जादू सोने की साड़ी को नीली झील के पास छोड़कर आ जाओगी तो परी लोग मुसीबत में आ जाएगा। तुम्हें तो बहुत सारा सोना मिल जाएगा, लेकिन सभी परियां और उनका परी लोग सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम धन दौलत लेना चाहती हो या फिर परियों की मदद करना चाहती हो। तुम परियों की जादू सोने और चांदी की साड़ी में से सिर्फ एक ही साड़ी चुन सकती हो। मैं परी की जादू चांदी की साड़ी की मदद करना चाहती हूँ, ताकि मैं परी लोग और परियों को बचा सकूँ। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी। परी की जादू चांदी की साड़ी, चलो तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो। अंजलि इतना ही कह पाती है कि तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर परी आ जाती है। अपने सामने परी को देखकर अंजलि चौंक जाती है। तभी वह परी अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, जबकि तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। अंजलि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हम परियां बिना किसी की परीक्षा लिए बिना उसकी मदद नहीं कर सकते, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अब तुम मेरी जादुई सोने और चांदी की साड़ी अपने साथ लेकर जा सकती हो। अंजलि जादू चांदी की साड़ी तुम अपनी मैम के पास लेकर जाना, इसकी मदद से तुम्हारी मैम को सच्चाई पता चलेगी, और जादू सोने की साड़ी से तुम्हें धन दौलत मिलेगी, और इससे जैसी चाहो वैसी साड़ियाँ भी ले सकती हो। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी जादुई सोने और चांदी की साड़ी देने के लिए। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा दूसरों की मदद करती रहूंगी। अंजलि परी को धन्यवाद कहकर परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेकर आ जाती है। सोने की साड़ी से जमींदार की बेटियों की साड़ियाँ लेती है और उन्हें देकर आ जाती है, और सोने की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। सरिता भी बहुत ज्यादा खुश होती है, और उसके बाद अंजलि अपने स्कूल जाती है और अपनी क्लास टीचर से कहती है, मैम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने चोरी नहीं की, आज फिर कह रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपको अभी पता चल जाएगा कि चोरी किसने की थी। आप एक बार परी की जादुई चांदी की साड़ी को हाथ लगाइए, उसके बाद आपको सब नजर आ जाएगा कि गलती किसकी थी। अंजलि के कहने पर जैसे ही टीचर जादुई चांदी की साड़ी को हाथ लगाती हैं तो उन्हें सब नजर आ जाता है कि किस तरह काव्या चुपके से उनके कंगन चुरा रही है और वह अंजलि के बैग के अंदर रख रही है। टीचर को पता चल जाता है कि चोरी काव्या ने की है, और वह उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसे स्कूल से निकाल देती है, और वह अंजलि से भी माफी मांगती है और उसका एडमिशन दोबारा से कर देती है। अंजलि बहुत खुश होती है कि उसे उसका स्कूल मिल गया, अब वह एग्जाम दे पाएगी, उसका साल खराब नहीं होगा। और कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और अंजलि पूरे स्कूल में टॉप करती है, और काव्या घर में बैठकर अपने मम्मी पापा से ताने सुन रही थी, और इस तरह काव्या को उसके केक की सजा मिल जाती है, और अंजलि परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है।